बीएससी ओ बीएससी बीएससी बीएससी। तो जैसे आप जो भी कर रहे हैं तो इसके बाद जैसे पढ़ाते भी हैं या फिर कुछ और ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक दो बच्चे को क्लास 8 का मैथ पढ़ाते हैं सिर्फ। क्योंकि आप जो पढ़ रहे थे कि इट इज डोनेटेड बाई एन, तो मैंने वहीं पे समझ गया कि नहीं कुछ तो लोचा है। हैं? क्लास 9 का टॉपिक है सर, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम आपका उसमें टॉपिक है। यस ओ सर, कस के बोलिए, खाना लगता नहीं मिला खाना आप लोग देंगे ना अभी है। बता हेडफोन रहे। का स्पीकर के ओ यानी कि जो माइक लगाए हुए हैं वो तो लैपटॉप पे माइक लगाए हुए हैं ना, तो उनको आवाज कहाँ से आएगी? वो तो फोन से बात कर रहे होंगे अभी ना। आप ऐसा कीजिए तो एक बार वो जो माइक है ना उसको फोन में लगाइए, चेक कीजिए कैसा आवाज आता है। हम चेक करते हैं माइक कैसा आपका है। सर, टॉपिक बहुत सा पढ़ना रहता एक टॉपिक नहीं है, आप इसको हल्के आवाज आ रही है से ना? समझिए। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, आवाज आ रही है? आप बहुत क्लियर है। चलिए मैं चलिए आवाज सेटिंग नहीं हो आ रहा है गई सर। तो उधर आवाज नहीं जा पा रही है क्योंकि आपने तो लगा लिया है ना, कहाँ से जाए। वो चलिए हेडफोन वाला मिठाई काम करता खिला। है ना, हेलो सर, वो हेलो हेडफोन हो सर, गया। हाँ जो बोल रहे थे अब उनको मिठाई खिलाने बोलिए, अब तो सेटिंग हो गया क्यों नहीं खिलाएंगे, ये तो लगता है हमारे काफी पुराने स्टूडेंट हैं, है ना। कब से जुड़े हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म से? है। ये 25 जनवरी से सर 1 साल होने वाला है। अच्छा, 1 साल होने वाला है हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप 1 साल से हैं, तो 1 सालों में मैंने आपको क्या दिया? बहुत कुछ दिया है सर। अब हमको मास्टर कंप्यूटर भी पढ़ाने का मन करता है कि बच्चा मिलेगा तब ना सर। मतलब अब आप पढ़ाइएगा। क्यों नहीं शिवशंकर जी, क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? मतलब क्या मतलब, आप पढ़ने के लिए तैयार होंगे तो क्यों नहीं शिवशंकर जी पढ़ाएंगे आपको? सर, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। हाँ फोर्टी मिनट का रहता है। थोड़ा सा है सर इसमें, थोड़ा सा हमको लगा, मतलब सेटिंग में थोड़ा लग रहा था, हम भी अनबैलेंस हो गए थे। तो मैंने शुरुआती में बोला था ना कि आप भी अनबैलेंस, इसीलिए तो मैं शुरुआत से बोला था कि माइक सेटअप एक ऐसा काम है ना कि अगर माइक सेट हो गया तो आप बहुत खुश हो जाओ कि मेरा माइक सेट हो गया। कितने लोगों का तो होता भी नहीं है, मतलब बता भी दो, सेटिंग भी करा दो, फिर भी काम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत परेशानी होता है। तो इनको तो हो गया ना, तो शुक्र मनाइए कि हो गया। इसलिए तो मैंने बोला था कि आप लाइव आइए मीटिंग में, और वहीं पे लैपटॉप बगल में रखिए, और जो दिक्कत होता है वो बताइए लाइव। इनका मैंने सोल्यूशन कर दिया, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कल कल की मीटिंग में ऐसे ही फिर से बताएंगे नहीं आप। सर, इतना इतना तो है सर, प्रोसेस अगर समझा देने के बाद इतना तो तय है कि हमसे हो ही जाएगा, इतना तो मतलब कि ऐसे क्लियर है। जैसे अगर हम आपको बता दें कि आपको पटना से हमारे ऑफिस तक आने में ऐसे ऐसे होता है तो आप तो आ जाएंगे। डर होता है, प्लस में आप आते समय कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ बताए थे, कैसे करना है, नहीं काम करा, तो ये होता है। मतलब जगह बताया हुआ है बट कैसे जाना है वो चीजें यहाँ पे करनी होती है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस टाइप से करना तो पड़ता है। तो नोट करना पड़ता है ना, तो अगर मैं नोट करने के लिए बताऊं तब ना, क्योंकि यहाँ लाइव है तो हम नोट क्यों करवाएंगे। हमने क्या बोला, स्टेप 1 में साउंड सेटिंग, स्टेप 2 कंट्रोल पैनल, स्टेप 3 में पॉपअप विंडो आएगा, उसमें रिकॉर्डिंग में जाना है, स्टेप 4 में माउस का राइट बटन दबाना है, स्टेप 5 में आपको कॉन्फिगर का ऑप्शन आएगा, और स्टेप 6 में वो पढ़ना है, 5 में फिनिश का ऑप्शन है, सॉरी 7 में खत्म। सर, आप मेमोरी में बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो चीजें तो मेरे को याद था। देखिए शिवशंकर जी को हमने सारे सेटिंग बताया ताकि वो घूम घूम कर लास्ट में उनको यह पता चल सके कि फाइनल हमें जाना कहाँ है, फाइनल हमें जाना क्या। क्योंकि देखिए मेरे मेरे पीसी में कहीं जाना नहीं होता है, मेरे पीसी में साउंड वाला ऑप्शन है, वहीं पर आपको साउंड का ऑप्शन आ जाता है और डायरेक्ट वो खुल जाता है, बट इनके केस में नहीं था। इसीलिए हमने सभी जगहों पर घुमा घुमा करके आप
लास्ट में इनको फाइनल रिजल्ट बता दिया कि आपको साउंड सेटिंग सर्च करना है और वहां पे जाकर के कंट्रोल पैनल जो होता है साउंड का उसमें घुसाना है, आपका काम हो जाएगा।